नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी मोइत्रा। बिहार में जैसे जैसे चुनावी मौसम करीब आ रहा है, राजनीति भी गर्माने लगी। मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी और एनडीए के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। रविवार को बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने संपत्ति को लेकर लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला। लालू परिवार को बिहार का सबसे बड़ा जमींदार बताते हुए बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कई तीखे सवाल भी पूछे। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दावा किया है कि लालू परिवार 73 नहीं 141 भूखंड, 30 फ्लैट और आधे दर्जन मकानों का मालिक है। महज 29 साल की उम्र में तेजस्वी यादव 52 से ज्यादा संपत्ति के मालिक कैसे बन गए, इसका जवाब वे आज तक नहीं दे पाए। इसके अलावा राबड़ी देवी पटना शहर में कई भूखंड के साथ ही कई फ्लैट की मालकिन है। तेज प्रताप 28 तो मीसा भारती थी कई संपत्तियों की मालकिन है। रविवार को जारी बयान में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, तेजस्वी को बताना चाहिए कि जब उनके पास कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं थी तो आखिर ऐसी क्या योग्यता थी जिसके बलबूते 52 संपत्ति के मालिक बन गए। लालू परिवार द्वारा बनाई गई खोखा कंपनियों की 30 से ज्यादा संपत्तियां ईडी और इनकम टैक्स द्वारा जब्त की गई। इनमें डिलाइट मार्केटिंग की 11, एके इंफोसिस्टम्स की 10, एबबी एक्सपोर्ट्स की 1, मिशेल पैकर्स की 1 के अलावा परिवार की 7 परिसंपत्तियां बेनामी एक्ट 1988 के तहत जब्त की गई। देश के रेल मंत्री रह चुके लालू यादव पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा, लालू यादव के रेल मंत्री रहते रेलवे के 2 होटलों को लीज पर देने के एवज में उनका परिवार डिलाइट मार्केटिंग कंपनी का इस्तेमाल कर पटना के रूपसपुर में 3.5 एकड़ जमीन का मालिक बना। इस पर तेजस्वी यादव बिगेस्ट मॉल ऑफ बिहार बना रहे थे। फेयरग्रो कंपनी के जरिए लालू परिवार टाटा स्टील के पटना स्थित गेस्ट हाउस का मालिक बन गया। इधर एनडीए लालू परिवार की संपत्ति का मुद्दा उठाकर आरजेडी को घेरने में जुटा हुआ है, और उधर चारा घोटाले में जेल की हवा खा रहे लालू यादव के बिना ही राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव मिलकर मोर्चा संभाले हुए हैं। आरजेडी नीतीश सरकार से पिछले 15 साल के काम का हिसाब मांग रही है। बहरहाल अब देखना यह है कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने जो सवाल उठाए, लालू परिवार उसका हिसाब किताब देता है या जोरदार पलटवार करता है।